सब जो डिजीज है ये सब होते हैं बैक्टीरिया से। अब प्रैक्टिकल टास्क वन है, अब गोल मतलब होता है हमें क्या शो करना है। टू शो डैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एवरीवेयर, हम लोगों को यहाँ पर शो करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह रहते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, यू विल नीड, हमें क्या क्या चाहिए, अ बीकर, एक कटोरी मान लें, एक प्लेट मान लें, ए ड्रॉपर जो होता है आप लोगों ने देखा होगा उसे ड्रॉपर ही कहते हैं, और माइक्रोस्कोप चाहिए। मेथड, कलेक्ट सम सॉइल इन अ बीकर एंड एड वाटर टू इट, कुछ पानी लेना है हमारे बीकर में समझे, और उसमें सॉइल देना है, उसमें मिट्टी देना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन एब्जॉर्ब सम वाटर फ्रॉम द बीकर इनटू ड्रॉपर एंड ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब देखिए जो बीकर में सॉइल और वाटर है उसे थोड़ी देर छोड़िए, तो वो क्या होगा, वो सॉइल जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो भारी है वो नीचे आ जाएगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, वॉल्यूम उसका ज़्यादा है पानी से, उसका वेट, उसका मास ज़्यादा है तो वो नीचे आएगा। तो वो जब नीचे आएगा तो हमें क्या करना, हमें करना है कि एक ड्रॉपर लेके उसके एक बूंद को लेना है, एक बूंद को लेके हम उसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे, तब देखेंगे उसमें क्या है, उसमें क्या मिलेगा, व्हाट हैपेंस, उसमें क्या आएगा, वी कैन सी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स मूविंग अराउंड इन वाटर, हम लोग क्या देखेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल से, हम लोग तो मल्टी सेलर हैं, कोई होता है डबल सेल, बहुत सारे होते हैं, हम लोग हैं मल्टी सेलर, हम लोग का अनगिनत हमारे बॉडी में सेल है, पर ये सब जो मैं बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ये सब सिंगल सेल है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है प्रैक्टिकल टास्क टू, अब यहाँ टास्क टू भी दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है गोल, कुछ गोल है इसका, ऑब्जर्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन वाटर फ्रॉम ए वाटर बॉडी। अब हमने इससे पहले सॉइल में देखा था कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है कि नहीं है, अब देखना है कि वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं, इसे चेक करना है, पर हमें शो करना है इसमें। तो यू नीड ग्लास, ग्लास स्लाइड, हमें क्या चाहिए, ग्लास चाहिए स्लाइड, इसमें ग्लास है मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब कांच का टुकड़ा और माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप चाहिए एक मेथड, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पाउंड, स्पिट ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब ग्लास स्लाइड को देखो क्या करना है, हमें पॉन्ड से, पोखर जिसे बोलते हैं, और पॉन्ड जैसे हम लोग बोलते हैं पॉन्ड, तो इससे हम लोगों को एक क्या लेना है, एक ड्रॉप एक ना कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है ग्लास स्लाइड में, क्योंकि ग्लास स्लाइड होता है क्या, वो होता है ट्रांसपेरेंट, तो उसमें हम लोगों को अच्छा से दिखेगा कि उसमें क्या है, क्योंकि हम लोग ग्लास का दिख जाएगा अगर वो अपोक रहेगा तब, ठीक है। तो हम लोग लेने के बाद क्या करना है, हम लोगों को ग्लास लेने के बाद उसमें कुछ वाटर देना है, और हमें उसमें ऑब्जर्व करना है कि वो उसमें क्या है, उसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे उसमें कि उसमें क्या है, तो हम लोग क्या मिलेगा, व्हाट हैपेंस, यू विल सी टीनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग अबाउट स्विफ्टली अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीड ऑफ द स्लाइड। अब देखिए क्या आपको दिखेगा कि टीनी बहुत छोटे से सिंगल सेल, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स जो फ्लोट करेंगे वाटर में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीड ऑफ द स्लाइड। अब कहाँ पर, साइड में, साइड की तरफ ज़्यादा वो लोग रहेंगे साइड में। नाउ यू नो, हमें कुछ जानने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ वेरियस शेप। अब देखिए मैंने आप लोगों
आप पढ़े होंगे कि ये अमीबा जो होता है उनका कोई शेप नहीं होता है, शेप होता है पर इररेगुलर होता है, मतलब कभी कुछ कभी कुछ, वो अपना शेप कभी भी चेंज कर सकता है। हम लोग अपना शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर चाहे हम लोग अभी कि हम लोग का हाथ उठ के हम लोग के पैर में चल जाए, कहीं हो सकता है, पर अमीबा कुछ भी कर सकता है, अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर है, और था कि इसके जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कभी शेप फिक्स नहीं होता है, वो उसका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, कुछ आप लोग सोच सकते हैं उसका हैबिटेट क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग अभी पढ़े था, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वो सॉइल में रहता है, वाटर में रहता है, एयर में रहता है, वो हर जगह है, तो उसका हैबिटेट क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लिव एट ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ वही कह रहा है जो भी हम लोग कुछ वाले पहले पढ़े हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हर एनवायरनमेंट में रहता है, चाहे वो कितना गर्मी हो, गर्म जगह हो या कोल्ड जगह हो, चाहे वो साल्ट वाटर हो या फिर मार्शी लैंड हो। मार्शी लैंड मतलब क्या हो गया, मार्शी लैंड का देख लेंगे हम आखिरी में, आप लोगों को मैं बताऊंगा मार्शी लैंड का। इसमें साल्ट वाटर में रह सकता है, मार्शी लैंड में रह सकता है, इवन इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि वो अदर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर भी रह सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स वाइल सम एग्जिस्ट फ्रीली। अब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, अपना न्यूट्रिएंट उससे लेते हैं, और कोई होते हैं फ्री, वो खुद अकेले अपना काम करते हैं। जैसे अमीबा कैन लाइव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया लिव ऑन लिव इन कलोनीज। अब देखिए यहाँ पर अदर जो मेरे पढ़ा था, माइक्रो ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स वाइल सम एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब जो ये लोगों के बारे में हो रहा है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ रहते हैं और कुछ अलग अलग रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं। जैसे अमीबा है तो अमीबा अलग अलग रहता है, अमीबा आराम से अकेला रहता है अपना, वो अपना फूड खुद ढूंढता है और खुद अकेले खाता है। अब जो फंगी बैक्टीरिया है ये सब झुंड में रहते हैं, कलोनी में रहते हैं, ये सब झुंड में रहते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम 0.2 to 0.2 200 माइक्रोन्स एंड कैन ओनली बी सीन विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। अब देखिए इसका साइज आपको दिख गया है। अब माइक्रोन्स क्या होता है, माइक्रोन्स का जो उसका यूनिट क्या होता है वो तो नहीं पता है, पर बहुत छोटा होता होगा। अगर 0. अगर 100 माइक्रोन्स भी है तब भी कुछ नहीं होने वाला है, तब भी हम लोग को नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर 0.2 माइक्रोन्स है, तुम समझिए कितना छोटा होगा वो हम लोगों को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, उसका एड दिखेगा, मतलब उसका एड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स से दिखेगा, एड का देखना होगा एक बार। दे कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर थोड़ी देर ऊपर में था लिखा हुआ कि वो हर जगह ठंडी गर्म साल्ट वाटर मार्शी लैंड में रहता है, यहाँ फिर से दिया हुआ है तो फिर से बताते हैं, वो कोई भी इन्वायरमेंट में रह सकता है, आपके इन्वायरमेंट में भी, मेरे इन्वायरमेंट में भी, चाहे आप राजस्थान से हो या रेगिस्तान से हो या फिर अंटार्कटिका से हो, अंटार्कटिका से तो हो नहीं सकते, चलिए कोई बात नहीं। तो उनका टेम्परेचर जो है वो कोई भी टेम्परेचर में वो सर्वाइव सर्वाइव कर